सो गाइस फाइनली हम हैं राजपुर रोड में और आपको दिखाते हैं यहाँ का हिडन वाटरफॉल। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग इसलिए अभी बज रहा है 11:22 AM एंड अभी जस्ट मैं हूँ PTS चर्च देहरादून के बाहर वेटिंग फॉर माई फ्रेंड पूजा। वो अभी मतलब देहरादून आ रखी है एंड अभी चर्च के अंदर से, तो शी वॉज लाइक मैं यहीं पर हूँ देहरादून में, कहीं चलते हैं। सो आई वॉज लाइक ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम, आई डोंट नो कितना टाइम। और एक और चीज़, जब भी कुछ ऐसा चीज़ होता है कि कोई मुझे बुलाता है या फिर मेरा कहीं जाने का प्लान होता है, तो हमेशा मैं अपने छोटा सा दिख नहीं रहा है और दिख रहा होगा कि मैंने बैग टंगा रखा है, तो हमेशा मैं छोटा सा बैग ले लेता हूँ एंड जो मेरा है इसमें मैं अपने GoPro और यू नो स्टैंड रख लेता हूँ साथ में, ताकि अगर कहीं अलग सा जगह हो, कुछ अच्छा हो, हैपनिंग हो, तो मैं व्लॉग शूट कहीं पर भी शुरू जाता हूँ एंड इसलिए शुरू होता हूँ, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने YouTube चैनल में कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट पैटर्न में वीडियोस अपलोड करते रहूँ, ताकि एंगेजमेंट बना रहे एंड आप लोग भी एंटरटेन्ड होते रहे एंड कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बीच बीच में आते रहता है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, साथ में कैफेज, लोकेशंस, डिफरेंट घूमने की जगह उनके बारे में पता चलते रहे। तो बाकी आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस की का तो सब्सक्राइब करके रखना, अगर जिसने नहीं पहले यही बोलने भाई है ना, जिन्होंने नहीं कराए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज इफ़ यू प्रेस द बेल यू वुड नो, यू वुड बी नोटिफाइड जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा, है ना, रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यही है एंड शी जस्ट ऑन हर वे, बाहर आ रही है एंड एंड तक वीडियो देखना, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा लोकेशन है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है हमें। तो फिर यप, स्टे ट्यून्ड एंड तक वीडियो देखना, मिलते हैं बाद में। सो गाइस फाइनली हम हैं राजपुर रोड में और ओ स्नेक कैफ़े ये है, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे आप मेरे, तो आपको पता होगा स्नेक कैफ़े। बाकी ये जो मैं बता रहा था कैफ़े पिकोलो है ना, T3, सारे जितने कैफेज यहाँ पर आसपास है ये सारे बंद हो चुके हैं, सीज हो चुके हैं, क्योंकि MGD ने यहाँ पर थप्पा मार दिया था है ना, अदर दे डिडंट हैव पार्किंग स्पेस या फिर वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था। बाकी अभी हम जा रहे हैं राजपुर के तरफ, मेन राजपुर के तरफ, और इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये है पूजा जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। फाइनली हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं, मतलब कितना टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना, काफ़ी मंथ्स हो गए, पता नहीं कितने हुए, गिनते नहीं है और चलो अभी हम जा रहे हैं आगे फिलहाल, और कुछ कैफेज देखते हैं या फिर कोई लोकेशन देखते हैं जहाँ पर बैठ के चिल मार सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड तक वीडियो देखना, बाकी मिलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं एक जगह पर और आपको दिखाते हैं यहाँ का हिडन वाटरफॉल। वन आर यू रेडी, 1 2 3 यह है हिडन वाटरफॉल। देखो जो जो वो गुफा है वो छोटा सा, वो बहुत हिडन प्लेस है एंड वहाँ से ये फॉल गिर रहा है एंड पानी बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि बरसात ख़त्म हो चुकी है, बस यही था। फिलहाल हम जा रहे हैं बुक कर, हाँ हाँ यहाँ पर पीछे भी एक वाटरफॉल है। बाकी अभी हम जा रहे हैं, ये बुक्कड़ कैफे है, द फूड इज एन आर्ट एंड वी आर दी आर्टिस्ट, लेट्स सी हाउ गुड ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ है पता नहीं क्या है, बाकी हम जा रहे हैं इस वाले कैफे में, अभी चलते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो लड़के का हील पहनने का दिक्कत यही होता है, सब बहुत जल्दी से चल लिया। We did not plan to go
आराम से आराम से। टैलेंट है ये, बहुत बढ़िया। इतनी हील्स पहन के चलने का, मैं तो सोच रहा था कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, इसे हाथ पकड़ लेके आना पड़ेगा, बट ये आ गई है। तो फिलहाल हम आ गए यहाँ पर और थोड़ा सा हेलमेट में निकालता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या खाने के लिए है। वो काफ़ी है जगह यहाँ पर, बड़े बड़े जगह है इधर। चलो पहले ये सब रेस्ट करते हैं, आई विल शो यू अराउंड, फिर कुछ ऑर्डर करेंगे और मिलते हैं फिर। तो दोस्तों अभी हमने ऑर्डर करा था कुछ, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है नूडल्स, वेज नूडल्स, ये है मोमोज। आपको पता है अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है मुझे मोमोज से कितना प्यार है, मोमोज के वीडियोस बनाते रहता हूँ, डालते रहता हूँ। बाकी अभी हम खाते हैं और पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज फिलहाल हमने जैसे मैंने आपको दिखाया था मोमोज एंड नूडल्स वगैरह कुछ ऑर्डर कर रखा था, बाकी हमने वो खा लिया है। एंड अभी एट प्रेजेंट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये लोकेशन दिखाऊँ कि लोकेशन कितना प्यारा है इनफैक्ट। एंड आपको आवाज़ जो आ रही होगी ना वो आपको सुना दे रहा होगा कि मतलब भाई जो ये क्या बोलते हैं चिड़िया एंड जो जंगल का आवाज़ है ना, वो बिल्कुल अलग से कि तुम बैठ रखे हो तुम, और मतलब ये जगह ऐसा है गाड़ी का हल्का आवाज़, मेन जो आवाज़ है यहाँ पर वो ये जंगल का आवाज़ है, जो ये उड़ते मतलब कीड़े कीड़े में इंसेक्ट्स की आवाज़ जो होते हैं वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर ये जगह मतलब दोस्तों के साथ चिल करने के लिए है, उसके अलावा ये कपल्स के लिए भी यहाँ पर जगह अच्छा है। आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे इस तरफ है ना, इस तरफ बेसिकली हट्स हट्स वगैरह है, यहाँ पर है, उधर है, ये सब हमें दिखे नीचे है ना, इस टॉयलेट टॉयलेट भी है, तो आप अगर कोई आते तो टॉयलेट की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। हट्स वगैरह प्रॉपर है, बाकी ये पूरा यहाँ पर ये जंगल है इस तरफ, है ना, ये मेन इनका जहाँ पर खाना खाना बनता है। हम उधर बैठ सकते थे, वहाँ पर कुछ दो तीन लोग और भी आ रखे थे, कुछ नीचे भी कुछ जगह है वहाँ पर भी कुछ लोग और आ रखे थे, बट हमने उनको वीडियो में लिया नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मतलब विदाउट देयर परमिशन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उनका दिखा रहा हूँ, है ना। तो बाकी ये था एंड सो दिस इज़ इट। अभी हम यहाँ पर थे, अभी हम बिलिंग कराते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। बाकी बस ये था कि हाँ ये जगह बहुत ही प्यारा है एंड यू नो दोस्तों के साथ आते हो आप, कपल्स के साथ आते हो या फिर बस हैंग आउट करने के लिए आते हो तो बहुत सही जगह है, हल्स है, बैठने जगह है। नाइट में यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स लगे हैं जो अभी जला के कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, कि दिखेगा नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट रात को थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो और भी बहुत प्यारा आएगा, है ना। तो ये था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये जगह मतलब कुछ टाइम पहले ही इन्होंने शुरुआत करा है, तो आई वुड से कि आप आइए यहाँ पर, भुक्कड़ कैफ़े करके है, आई फॉरगॉट द नेम, भुक्कड़ तो है बट कुछ और भी इसके आगे, है ना। तो ये है, आप आइए, इनको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, बिकॉज आई प्रीफर प्रमोटिंग देम मोर देन कैफेज एंड ऑल, कि वो तो ऑलरेडी है ना रोड साइड में होता है, बहुत लोग जाते रहते हैं ना, तो बट ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि यहाँ पर यू नो क्या तो जो कस्टमर्स है या फिर गेस्ट्स है वो बहुत कम आते हैं यहाँ पर। तो अमूट से अगर आप इस तरफ आते हैं तो आइए देखिए, लोकेशन वगैरह अगर इनका इंस्टाग्राम या फिर कहता कोई लोकेशन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक कर रखे हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में नहीं कनेक्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी रहता है, है ना, तो अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई विल फॉलो यू बैक एज वेल, है ना। एंड उस पर आप हमारे फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं, है ना, जो जो भी यहाँ का जो सीढ़ी से पहले एंट्रेंस है वहाँ पर हमने क्लिक करे हैं। बाकी अभी टाइम है क्या, चलते हैं और फिर हमारा प्लान है कि हमें मोमोज और खाने हैं क्योंकि हम मोमोज के दीवाने हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, मोमोज बहुत पसंद है हमें। तो फिर अभी हम चलते हैं वापस राजपुर की तरफ और फिर शायद से देखते हैं हम कहां पर मोमोज खाएंगे, अगर वो जगह रहेगा कि हाँ वीडियो में मतलब वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना के दिखाएंगे कि लोकेशन क्या है। बाकी अगर नहीं हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होते हैं तिब्बतींस का मोमो का जगह जो होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता है क्योंकि उनके कॉलोनी के अंदर होता है वो जगह, है ना। जैसे अगर आपने मेरे व्लॉग देखा होगा जो एक या दो व्लॉग पीछे पहले, है ना, तो उसमें मैंने मोमोज खाने के लिए गए थे हम, बट मैंने वीडियो बनाया नहीं था वहाँ पर क्योंकि यू नो इट वॉज़न्ट अप्रोप्रिएट कि मैं अंदर उनकी कॉलोनी का अंदर से जाके बनाऊँ दिखाऊँ, है ना। तो बाकी यही है, अभी हम चलते हैं, बाकी मिलते हैं फिर बाद में। सो गाइस फाइनली इट्स ओवर एंड अब हम जा रहे हैं नीचे एंड ये बहुत स्ट्रगल कर रही है हील्स के साथ चलने में, ये देखिए लड़की को ये दिक्कत होता है हील्स पर। दोस्तों फुटेज फुटेज देखो, हील्स पर चलने की दिक्कत, वही गिरियो मत,
बाहर लगा वरना वीडियो तो दोस्तों चलो आराम आराम से चलना। अभी मेरे पास ये तेरा बटन पकड़ रखा है मैंने रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मुझे जाना पड़ेगा नीचे और फिर इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आराम से। गिनना मत, मैंने तो ये तो ये क्लिप में डाल दूंगा तो रुक जा आराम से। Not dressed in these sandals to walk here, for sure. आराम से आराम से। दोस्तों कितने वाली है? I don't know ये वो क्या तो वीडियो कैप्चर हुआ कि नहीं? ये पार्ट कट हो जाना चाहिए। है ना? अगर वो गिरने वाला वीडियो कैप्चर हुआ है, वो क्लिप कैप्चर हुआ तो I would definitely post that. चलो चल अभी यही है, बाकी अपना धनों को उठाते और निकलते हैं, मिलेंगे हम राजपुर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड द वीडियो देखना। तो हे गाइस, आई होप आपको जो भूकर कैफे में हम गए थे आपको वो प्लेस अच्छा लगा। हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे मोमोज खाएंगे राजपुर की तरफ, बट हमारा प्लान चेंज हो चुका है। अभी हम एक कैफ़े है, दूसरा कैफ़े, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा ना, तो स्टे ट्यून्ड। आप दूसरा व्लॉग का भी वेट कीजिएगा, है ना? उस व्लॉग वो व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है और बहुत ही अच्छा जगह है, वो हमने सुन रखा है। बाकी अभी जाएंगे तब पता चलेगा। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं कर रखा है तो वो भी कर देना, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर प्रेस करोगे तो आप नोटिफाई हो जाओगे जब मैं वीडियो जो भी अपडेट्स करूँगा या फिर जो भी नया वीडियो डालूंगा। तो बस ये था, अब हम मिलेंगे वो नए कैफ़े में जहाँ पर अभी हमने सोचा है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही फिनिश, मिलते हैं दूसरे प्लेस में। लाइक एंड सब्सक्राइब, इरशाद अली ट्रैवलिंग फ्री। थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।